खुश आमदीद एक दफ़ा फिर हम कहते हैं। और अब जो हमारी सहेली हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है उनका हाफिज़ा महवेश, माशाल्लाह हाफिज़ा हैं और मिनहाजुल निसा से इन्होंने कुरान हिफ्ज किया है और पहली मरतबा किसी भी टीवी चैनल के ऊपर आई हैं। और हम इनको, जैसा कि हमने पहले बड़े दिल से आपको खुश आमदीद कहा, हम आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आपसे एक नात सुनें, एक कॉल भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सहेलियाँ जो अपने घरों में भी बैठ के हमें देख रही हैं और वो इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, इस मिलाद का हिस्सा बनना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर कहिए अपने दिल की। जी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपको जुमा का दिन, ये दिन बहुत मुबारक हो। हाँ जी बहुत शुक्रिया। रोज आप कैसी हैं? ठीक हैं करम अल्लाह का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है, स्पेशली जो जुमे को आप मिलाद का इनेकाद करवा रहे हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम आपसे एक सवाल भी करना चाहेंगे, तो आप देख रही हैं प्रोग्राम? हाँ जी। तो फिर अगर सवाल करें तो गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। ये बताइए कि ये जो ब्राइट का जो स्टेन मैग्नेट फॉर्मूला है, ये इसके अंदर जो मकनातीसी ताकत है वो क्या करती है कपड़ों के साथ? दाग को खींच निकालती है बाहर। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया जी। वाकई जुमे का दिन आपके लिए ज़्यादा मुबारक हो गया कि आपने सही जवाब दिया। और वो कहते हैं ना, हम अभी उन इंसेंटिव्स की बात कर रहे थे कि अल्लाह की ज़ात भी हम लोगों को, जो गुनाहगार लोग होते हैं उनको इंसेंटिव देता है। कुरान पाक में बारह ये बयान किया गया है कि ये अगर हम अपने अमल की दुरुस्तगी करेंगे तो आपको ये दिया जाएगा। तो क्योंकि आपने सही जवाब दिया तो इसलिए दुनियावी तौर पर हम आपको ब्राइट का ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। जी बेहद शुक्रिया कॉल करने का, बहुत मेहरबानी। और इसके साथ अगर दुरूद पाक पढ़ती रहेंगी तो ये आखिरत में ब्राइट हो जाएगी। बिल्कुल ब्राइट भी हो जाएगी, कितनी खूबसूरत बात की। और बिल्कुल या मेरा ख्याल है, आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुली सेड। अच्छा जी, अब हम आते हैं हाफिज़ा महवेश की तरफ। जी कौन सी नात आज आप हमें सुना रही हैं? उनकी महक ने दिल के। जी बिस्मिल्लाह करें।
माशाल्लाह बहुत खूब बहुत अच्छे आज माशाल्लाह हमारी जितनी भी सहेलियाँ आई हैं बहुत तैयारी के साथ और जिक्र जो कर रही हैं और कलाम भी माशाल्लाह बेहद खूबसूरत था। अच्छा जी जाहिर है ये मिलाद की महफिल और क्योंकि नुरीद हमारे साथ हैं तो हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि इनसे भी आज सारा जो इल्म इनके पास है वो जो हमारी देखने वाली सहेलियाँ हैं उन तक भी पहुँचे। अच्छा ये तो आज हम लोगों ने पहले से जब हम डिज़ाइन कर रहे थे इस पूरे शो को इस मिलाद को तो हम लोगों ने ये दो टॉपिक्स एक किए कि जी हम स्टार्ट इनसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी बात अगर आप पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो हमारे इस शो का हिस्सा बने वो टॉपिक तो आप हमें ज़रूर लिख कर भेजें। हमें आप SMS भी कर सकते हैं और साथ ही साथ फ़ोन कॉल करवा के भी अपना पैगाम हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो का टॉपिक रखें। अच्छा जी अब एक जो नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा दुरूद व सलाम दुरूद पाक जो है वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए बिकॉज़ बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के दुरूद है और कितना हमें पढ़ना चाहिए जो तादाद है उसकी वो कितनी होनी चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए। रोज ये बहुत सी सहेलियाँ हमारे मिलने वाले अहबाब जब ख़वातीन पूछती हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से भी कि उनको कौन सा याद कराएं तो इसमें मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी हदीस मुकद्दसा के अंदर इरशाद फरमाया और हज़रत काब बिन उजरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस पाक के और सही बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है किताबुल अंबिया के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काब क्या मैं तुम्हें एक तोहफ़ा ना दूँ तो उन्होंने कहा ज़रूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर यूँ दुरूद भेजा करो और फिर दुरूद इब्राहिमी सारा उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसके अलावा भी कई और रिवायात ऐसी हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े से डिफरेंस के साथ दुरूद इब्राहिमी जैसे दुरूद पाक जो हैं अहादीस के अंदर मरवी हैं लेकिन बात ये देखने में आती है कि कुरान करीम के इस हुक्म को सामने रखते हुए बाद में जो सुलहा हैं जो आका अलैहिस्सलाम के वाबस्तगीन उनके जो सहाबा कराम ताबईन हैं तबा ताबईन हैं मशायख हैं उलमा हैं इन्होंने कई और दुरूद पाक अपने मुरीदीन को अपने मुतालिकीन को स्टूडेंट्स को जो दीन का सीखने के लिए आते हैं उनको इरशाद फरमाया और उनके अंदर सलाम भी है और दुरूद भी है। तो हमें स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए इसको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि दुरूद इब्राहिमी नमाज के अंदर वारिद हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहने मुबारक से इसका हुक्म निकला है इसकी फजीलत इसकी जो फौकियत है वो अपनी जगह मगर जब हम दुरूद पढ़ें तो उसके साथ सलाम पढ़ें सही क्योंकि ये जो कुरान करीम की आयत मुकद्दसा शुरू में जिसके मुतालिक बात हुई थी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 इसके अंदर खूब सलाम भेजने का भी हुक्म दिया गया। तो फिर अगर हम देख लें कोई सा भी छोटा दुरूद पाक है ताकि हम कसरत कर सकें क्योंकि ज्यादा हुक्म जो है वो कसरत का आया है अल्फाज स्पेसिफाई नहीं किए गए कसरत का है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जितने ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा वो मेरा उतना कुर्ब हासिल करेगा। सही रुकना जी यहाँ पे ब्रेक के लिए ब्रेक से वापस आएंगे इस महफिल का तकरीबन इख्तिताम की तरफ जा रही है और ये जब ऐसी महफिल सजती है तो जी नहीं चाहता कि ये कभी ख़त्म हो मगर ये जिक्र ऐसा है कि जब ये जिक्र शुरू होता है तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हमारे साथ अनम अरूज भी हैं उनसे एक नात सुनेंगे और आखिर में हम सलाम पे इस महफिल का इख्तिताम करेंगे। अभी ब्रेक के लिए रुकेंगे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।